हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपका चैप्टर 3 का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना सीखेंगे कि हमारा चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट। तो बेटा इंटरनेट आप सबको पता है कि इंटरनेट से हम कोई भी यूज़ किस लिए करते हैं, हम इंटरनेट का कोई भी जानकारी को ढूंढने के लिए, कोई भी टॉपिक हो, किसी इमेज को डाउनलोड करने के लिए, या मैम ने अगर कोई काम दिया है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें अपने फ़ोन पे इंटरनेट यूज़ करने के लिए पहले आप अपना डेटा को उससे कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जानकारी सर्च करने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐप होती है फ़ोन में, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट से जानकारी सर्च करने में, उसको यूज़ करने में, डाउनलोड करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमारे फ़ोन में जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं या हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप हैं, एक गूगल क्रोम नाम की ऐप, ये बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरह से एक ऐप अवेलेबल होती है। इस ऐप का यूज़ आप इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा इस प्रैक्टिकल में, सबसे पहले इस तरह से अपना ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से गूगल लिखा हुआ एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। गूगल एक सर्च इंजन होता है, ये एक इस तरह की वेबसाइट होती है जिस पे आप अपना कोई भी टॉपिक टाइप करके सर्च कर सकते हो। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करके और उसमें वेब ब्राउज़र ये टॉपिक सर्च करना है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो जैसे ही आप वेब ब्राउज़र सर्च करेंगे आपके सामने ये देखो एक पूरी लिस्ट आ गई है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, ये सब क्या है बेटा, ये सब ब्राउज़र्स हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं जिनका यूज़ आप इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए करते हैं। तो इसके अलावा बेटा आपको इसी के नीचे एक और वेबसाइट दिखाई दे रही है। जब आपने वेब ब्राउज़र सर्च किया तो आपको एक और नीचे ऑप्शन आया है, वेब ब्राउज़र विकिपीडिया। तो विकिपीडिया बेटा क्या है, विकिपीडिया एक वेबसाइट है जिस पे आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी एक ही जगह पर ढूंढ सकते हैं। तो इसमें देखो बेटा वेब ब्राउज़र के बारे में बताया है, आपको क्या करना है इस तरह से सर्च करके वेब ब्राउज़र, और ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट करनी है वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो देखो बेटा इसमें वेब ब्राउज़र में पूरा बताया हुआ है कि क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये काम कैसे करता है, इसमें सेटिंग्स हम क्या क्या लगा सकते हैं, फ़ीचर्स इसकी क्या क्या होती हैं, क्या क्या हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो बेटा आपको ये सब पढ़ना है, नोट नहीं करना है, नोट आपको सिर्फ डेफिनेशन और लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स जो आपके पास ये पहले पेज ओपन हुआ था तो इसमें ये पूरी जो ब्राउज़र्स की लिस्ट है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ये अपने नोटबुक पे लिखना है कि वेब ब्राउज़र डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद ये लिस्ट। और आप लोग आपका जो फाइल पे पेज होता है एक साइड प्लेन और एक साइड जो लाइन वाला होता है, जिन बच्चों के पास नोटबुक में जिन्होंने काम किया हुआ है वो लोग अपनी नोटबुक पे ही ये वाले आइकन्स जो आपको ये इमेजेस दिखाई दे रही हैं अलग अलग, जैसे ये फायरफॉक्स की है, ये क्रोम की है, ये सफारी की है, ये आपको आइकन्स ड्रॉ करने हैं और उसके साथ साथ नाम लिखना है कि ये कौन से ब्राउज़र्स हैं। और फिर बेटा उसकी आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इस तरह से ये सर्च करने के बाद, और अपनी नोटबुक की फ़ोटो भी सेंड करेंगे।